सो यहाँ पे कुछ बंदे जो है अभी अपने बाइक्स लेके आए हैं। ये देखो गाइस, रॉल्स रॉयल्स। यहाँ पे जो है मुंबई की ओर चले जाते हैं, ये रोड डायरेक्ट मुंबई निकलेगा, ये वाला रोड जो है। रघुवेंद्र जी कैसा है बोलो? ठीक है हैं? और आपका घर कहाँ है? नहीं नहीं, इधर कौन सा एरिया में? साधनगर के बाजू। साधनगर के बाजू। हाँ। अच्छा, तो ये है इनका जो है, अभी गाड़ी आ गया। देखो इन लोगों का ना 24 घंटा ड्यूटी है, तो आज हालांकि अभी 12 घंटा कर रहा है, कल दिन में भी ये करेगा। तो और इस भाई को देखो, फ्री फायर मार रहा है पूरा। पूरा आता है खेलना? थोड़ा थोड़ा। सो गाइज, आज का जो डिनर है सर जी ने बनाया है, ये रहा सर जी। और सर जी ने आज स्पेशल बिरयानी बनाया है। ये क्या क्या बिरयानी है? हैदराबादी बिरयानी है क्या? सर हैदराबादी बिरयानी। हैदराबादी बिरयानी। तो आज सर के हाथ से जो है हैदराबादी बिरयानी खाने वाले हैं। और ये रहा ये भैया, भैया क्या नाम बताया था आपका? रघुवेंद्र जी है। और ये भाई साहब है, इनसे भी बात किया हमने, बहुत ही अच्छा लगा। और सभी के लिए अभी खाना तो निकल रहा है, ये रहा बिरयानी निकल रहा है सबके लिए। अभी हम लोग खाएंगे, खा करके देखते हैं, बताते हैं आपको कैसा टेस्ट है, ठीक है, हैदराबादी बिरयानी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, हर हर महादेव, जय श्री केदार। तो मैं हूँ अभी फिलहाल शमशादाबाद में, हैदराबाद से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर। और मैं अभी फिलहाल तो मतलब एक ब्रिज पे खड़ा हूँ, क्योंकि ये देखो आपको थोड़ा दिखाना था शमशादाबाद का मतलब सिटी कैसा दिखता है। तो ये रहा काइंड ऑफ शमशादाबाद है। और ये है, ये जो ब्रिज है ना, बहुत ही भयंकर है यार, बहुत दूर से मतलब चढ़ाई करना पड़ रहा है। तो मैं हूँ अभी फ़िलहाल शमशादाबाद में। मैं सुबह निकल चुका था 7 बजे, वहाँ से मैं पेट्रोल पंप पे था, तो पेट्रोल पंप से मैं 7 बजे ही निकला। 7 बजे निकल करके अभी बज रहा है 9:13 हो रहा है, यहाँ पे मैं अभी पहुँचा हूँ। और मेरा साइकिल जो है वो रहा आगे, मेरा साइकिल है। और अभी मैं जाऊँगा हैदराबाद, हैदराबाद सिटी तक जाऊँगा। सिटी जा करके मुझे कुछ कुरियर करना है घर, मतलब मेरा लगेज थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, हैवी हो रहा है, तो यहाँ से मैं कुछ सामान जो है मैं घर भेजने वाला हूँ। तो अभी जाऊँगा, जा करके यहाँ से ना मैं थोड़ा बहुत सामान जो है घर भेज दूँगा। बहुत ही तकलीफ हो रहा है मुझे साइकिल चलाने में। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू सर, इन टच। एंड इट इज नॉर्मल साइकिल, नॉट अ गियर साइकिल? नो नो नो, दिस इज नॉर्मल। ओके, नो, ही हैज डन साइकिल जर्नी वे बैक इन 1972-74, 4 इयर्स। हां हां, यस, ट्रैवल एंटायर इंडिया, बर्मा, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, नेबर्स कंट्री, अराउंड 78,000 किलोमीटर ही हैज ट्रैवल्ड। কোথায় থাকেন এখানে? আচ্ছা, সবসে বহুত ভূখ লগ রা থা, নাস্তা বাস্তা কুছ কিয়ে নেই থে, তো অভি যা হে ইয়াঁ পর পুরি মিল রা হ্যায়, তো অভি বস নাস্তা বাস্তা করেঙ্গে অর আগে যায়েঙ্গে। আগে যা করকে শায়দ মুঝে কুছ আরামগর কা নাম কা এক জগা হ্যায়, ওয়াঁ সে মুঝে পার্সেল মতলব পার্সেল অফিস মিলেগা ওয়াঁ পে, तो वहाँ जा करके देखते हैं कि मैं कितना सामान मैं भेज सकूँ। तो ठीक है, मैं घर भेज दूँगा और थोड़ा बहुत जो है मैं रख लूँगा अपने काम के लिए। तो अभी फ़िलहाल नाश्ता करते हैं, यहाँ पे पूरी मिल रहा है। तो ये रहा पूरी और आलू की सब्ज़ी है, ठीक ठाक है, तो खा लेते हैं, खाने के बाद जो है चलेंगे यहाँ से। तो गाइस फाइनली मैं अभी आरामगर में हूँ, आरामगर यानी कि हैदराबाद के आरामगर में। तो यहाँ पे ना मैं मेरा जो सामान था, एक्स्ट्रा सामान था, उसको मैं वापस कुरियर करवा रहा हूँ घर के लिए। तो
तो ये रहा क्या बोलते हैं, प्रोफेशनल कुरियर बोल के है। तो प्रोफेशनल कुरियर की थ्रू जो है मैं मेरा सामान भेज रहा हूँ, कुछ फाइल जो मेरा था, फाइल सब जितना भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है और थोड़ा बहुत कपड़ा है वो मैं भेज रहा हूँ प्रोफेशनल कुरियर की थ्रू भी भेज रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है कुछ चार्जेस है उसका करीबन 180 पर केजी है, तो 180 पर केजी, उसके बाद अगर ज़्यादा होगा तो पर केजी मतलब 90 रुपये करके। तो यह कपड़ा बस इतना ही है, मेरा ये फाइल है, हालांकि फाइल थोड़ा वेट ज़्यादा लग रहा है तो मैं फाइल को भेज दे रहा हूँ घर। हालांकि डॉक्यूमेंट्स मेरा सभी PDF में है तो हो जाएगा, PDF से चला लूँगा। और थोड़ा बहुत जो भी मेरा मतलब क्लॉथेस था ये सारा जो है मैं अभी भेज रहा हूँ घर के लिए, क्योंकि मुझे उतना ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ज़रूरत पड़ेगा तो मैं वापस मंगा लूँगा। तो ये मैडम से पूछा मैंने कि कितना चार्जेस वगैरह है, तो चार्जेस वगैरह जो है मुझे बता दिया। और अभी मैं फ़िलहाल हूँ आरामगढ़ यानी आराम करने वाला नहीं, इस जगह का नाम है आरामगढ़। तो इस जगह के नाम है आरामगढ़, ये हैदराबाद में पड़ता है। तो यहाँ से अभी फटाफट इसको भेजते हैं, भेजने के बाद जो है मैं निकल जाऊँगा दिल्ली के लिए। तो चलो अभी यहाँ से दिल्ली तो बहुत दूर है यार, बहुत दूर, मतलब 1000 किलोमीटर से ज़्यादा, 1700 करीबन है, 1600-1700 करीबन है। तो अभी चलो फटाफट इसे पैक करते और भेज देते हैं घर। तो गाइस फाइनली मेरा जो पैकिंग करना था ना पैकिंग हो गया है, और ये जो मैंने मुझे एक स्लिप दिया है प्रोफेशनल कुरियर की तरफ से कि मेरा जो मतलब पर्सल है ना वो रेडी हो चुका है बोल के, ये रहा वो कुरियर और ये रहा मैडम ये पैक कर रहा है मेरा वाला, हालांकि ये है इसने पैक कर दिया है, और ये भैया जो है ये मेरा फाइल है तो फाइल को भी पैक कर दे रहा है। तो यही है, अभी मैं फ़िलहाल हूँ यहीं पे, और यहाँ से जो है मैं 12 बजे करीब थोड़ा निकलूँगा यहाँ से खाना वाना खा करके, और देखते हैं आज कितना दूर राइड कर सकते हैं। हालांकि अब 40 या 50 किलोमीटर ही आज राइड करेंगे। तो बस यही है, ये रहा प्रोफेशनल कुरियर की तरफ से, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। हाय मैडम, हाय करो एक बार, हाय कर दो आप। चलो तो ये मैडम और सर ने जो है बहुत ही मुझे मदद किया कुरियर भेजने के लिए, तो इन सभी को जो है बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से। यार अभी ना मुझे बहुत यार मैं अभी रूट भटक गया यार, मुझे जो मतलब केदारनाथ जाता है ना वो वाला रूट मुझे नहीं मिल रहा है NH 44। तो पता यहाँ पे लोगों को पूछ रहा हूँ, लोग भी बोल रहे हैं कि इधर चले जाओ, कुछ लोग बोल रहे हैं इधर चले जाओ, पता नहीं अभी मैं किधर जाऊँ, समझ में नहीं आ रहा है। एक बार मैं जिस रूट पे गया था उस रूट से बोला आदमी इधर से नहीं जाता है उधर से जाओ, अभी इधर आकर के पूछ रहा हूँ कि बोल रहे हैं तो उधर से जाओ, यार अब मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। जिस रूट पे गया था उसी रूट पे भेज रहा है अभी, तो देखते हैं फिर से उसी रूट पे जाते हैं। हालांकि मैप भी जो है उधर ही दिखा रहे हैं NH 44 का, तो चलो चलते हैं उधर ही। इस हालांकि इस साइड में गया था, इस साइड पे जो है NH 44 का कोई मतलब रूट नहीं दिखा रहा है, तो उसी तरफ दिखा रहा था। तो चलो अभी चलते हैं उधर ही जाएंगे, उधर ही NH 44 का रूट दिखा रहा है, तो अभी क्या करेंगे उधर ही जा करके देखना पड़ेगा। भाई बहुत ही भयंकर हो रखी है यार National 44 का, देखिए ये National Highway 44 है और कितना ही भयंकर होकर रखा है यार। यहाँ पे ना अभी बस वो चल रहा है, काम चल रहा है, हालांकि बन रहा है अभी सड़के, तो इसीलिए थोड़ा सा खराब दिखने को मिल रहा है रास्ता। इससे अच्छा तो हमारे गांव का रास्ता है, कम से कम 50-60 की स्पीड से आप गाड़ी चला सकते हो, ऐसे रोड पे यार कैसे आप चलाओगे गाड़ी। अगर NH 44 का ये हालात होगा तो गांव का क्या हालात होगा सोच के देखो। यार बड़े भयंकर ट्रैफिक लग रहा है भाई यहाँ पे, तो ऊपर से रास्ता खराब, ये देखो बीच में अब फिर से ऑटो, यार समझ में नहीं आ रहा है यार क्या हो रहा है यहाँ पे। तो गाइस ये है
नेहरू जूलॉजिकल पार्क। हालांकि बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में, बट हमारे पास जो है टाइम नहीं है, हमें जल्द से जल्द निकलना है। और अभी अगर हम लोग घुस जाएंगे अंदर तो मतलब एक डेढ़ घंटा वैसे ही वेस्ट हो जाएगा हमारा, तो नहीं घुसते हैं। तो हालांकि काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। तो गाइस यहाँ पे ना रास्ते की हालत ना बहुत ही ख़राब, बहुत ही ज़्यादा मतलब हद से ज़्यादा यहाँ पे ख़राब है। और ट्रैफिक का तो बोलो ही मत कितना ज़्यादा ख़राब है। और रूट जो है ना, रूट भी मैप में मतलब बराबर नहीं आता है। कुछ दूर आने के बाद ना अभी मुझे पता चल रहा है कि यही वाला जो रोड है यही NH 44 है। तो क्या ही करें अभी। हालांकि मैं 1.5 से 2 घंटा भटकता रहा हूँ वहाँ पे आराम घर पे, तो अभी जा करके मुझे फाइनली रोड मिल गया है। तो अभी ये देखो गाइस, रोल्स रॉयल्स, ये मॉडिफाइड कार है ये देखो। हालांकि ये डमी पीस है, डमी पीस नहीं है, ये पुराना पीस है, खटारा है, ये चलता नहीं है। बट यहाँ पे ना बहुत सारे ऐसे कार मिलेंगे आपको, ये देखो यहाँ पे भी, ये सभी मॉडिफाइड है बट बहुत ही मस्त लग रहा है देखो। ओ भाई ये देखो, ये टोयोटा का है बट इसको क्या बना दिया, फरारी बना दिया देखो। ओ गाइस कैसा लगा गाड़ी देख करके, यहाँ पर भी बहुत सारे हैं, आपको दिखा दे, ये देखो कितने सारे खड़े हुए हैं यहाँ पे, ये है सभी मॉडिफाइड करके रखे हैं। हालांकि ऊपर का जो छत है ना, छत काट करके बनाया है ये सब गाड़ी। क्या ही मस्त लग रहा है ना, मतलब फरारी का मजा दे देगा आपको। तो हालांकि अभी हम चलेंगे, लेट हो रहा है हमारे, नहीं तो और थोड़ा एक्सप्लोर करता। सो गाइज मैं अभी फाइनली NH 44 पे आ गया हूँ। ये है हैदराबाद की NH 44। इस रोड से सिकंदराबाद चले जाते हैं, हालांकि आगे जो है थोड़ा बहुत डाइवर्जन है। तो यहाँ पे जो है हमें कुछ मस्त नज़ारा दिखा, ये रहो ये देखिए यहाँ का नज़ारा, वो है बुद्ध जी का टेम्पल है और इधर डॉक्टर अम्बेडकर जी का क्या बोलते हैं स्टेचू है, और आगे जो है न्यायपालिका है, वो देख सकते हैं आप, वो न्यायपालिका, और ये डॉक्टर अम्बेडकर जी का मूर्ति और ये बुद्ध जी का मूर्ति, और आगे जो है एक काइंड ऑफ टेम्पल है। तो बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है, और आगे हमारे फ्लैग्स तिरंगा लहरा रहा है। जगह तो भाई बहुत ही कमाल की है यार, एकदम बिल्कुल मतलब मुंबई की मरीन ड्राइव जैसा लग रहा है, ये देखो ना क्या ही मस्त है ना, ये देखो। यहाँ पे किनारे पे अभी खड़ा हूँ ना, अभी ये किनारे पे खड़ा हूँ ना, तो मतलब बहुत ही ठंडा ठंडा हवा चल रहा है यहाँ पे, तो मज़ा ही आ रहा है कुछ। सो गाइस साइकिल चलाते चलाते यार बहुत ही थक गया हूँ, और अभी जो है मैं थोड़ा सा रुक गया हूँ यहाँ पे। अभी मैं हूँ फिलहाल कन्याकुमारी रोड पे ही हूँ, और लोगों ने जो है मुझे इतना सारा प्यार दिया रास्ते पे, ये देखो ये रहा कितने सारे मतलब खाने के सामान दिए है, फल दिए है, केला, और उसके बाद ये है एप्पल, उसके बाद ये कुछ कोल्ड ड्रिंक्स दिए है, पानी का बॉटल खरीद के दिए हैं। तो मतलब आप लोगों का ना इतना सपोर्ट मिल रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप लोग जो है ऐसा ही प्यार करते रहो मुझे, और आप लोगों का प्यार जो है ना मेरे लिए ना मैं एक मोटिवेशन का काम करता है। तो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी, और आशा करता हूँ बहुत ही जल्द मैं केदारनाथ से आप लोगों को लाइव वीडियो दिखा सकूँ। तो आज जो है मेरा केदारनाथ यात्रा की 6 डेज है, और मैं फ़िलहाल अभी हूँ तेलंगाना में, और अभी फ़िलहाल मैं कन्याकुमारी रोड पर हूँ हैदराबाद की ओर। तो अभी यहाँ से जाऊँगा, देखता हूँ कितना दूर आज मैं राइड कर पाता हूँ। तो चलिए अभी थोड़ा देर रेस्ट करते हैं, रेस्ट करने के बाद जो है चलेंगे इसी रोड पे। हाँ। फिलहाल तो मैं अभी हैदराबाद सिटी क्रॉस कर चुका हूँ, सिटी से बहुत दूर आ चुका हूँ, और अभी जो है मैं एक बाईपास पे खड़ा हूँ, ये रहा ये साइड जो है मुंबई की ओर चले जाते हैं, ये रोड डायरेक्ट मुंबई निकलेगा ये वाला रोड जो है, और ये वाला रोड जो है डायरेक्ट मतलब नागपुर होकर के उत्तराखंड ग्वालियर ऐसा चला जाएगा ये वाला रोड। तो एक ही रोड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी। हालांकि तब जो है टाउन में थोड़ा सा भटक गया था मैं,
अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी NH 44 ही है, कन्याकुमारी वाला रोड, और ये वाला जो रोड है मुंबई चले जाते हैं सिंगल रोड है, तो ये काइंड ऑफ बाईपास बोल सकते हैं हम, ये एक बाईपास ही है। तो अभी चलो 5:30 हो चुके हैं, 1 घंटे करीब चलाते हैं और कहीं पे स्टे ले लेंगे आज। सो यहाँ पे कुछ बंदे जो है अभी अपने बाइक्स लेके आए हैं। ये रहा, ये R15 है, R15 310 का है, और वो शायद मुझे लग रहा है कि वो KTM जैसा लग रहा है, और ये जो बजाज का ही कुछ कौन सा मॉडल है पता नहीं, बट वो वाला यम्मा का है। तो हालांकि ये सब बाइक नॉर्मल ही है, बट फिर भी यार एक मिडिल क्लास फैमिली के लेना ये बहुत बड़ी बात है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है हालांकि बाइक लोग। तो ये है बंदे लोग जो है यहीं पे आए हैं और थोड़ा सा मतलब फोटोग्राफी कर रहे हैं, ये देखो फोटो ले रहा है। ये नहीं नहीं ये ब्लू कलर है ना, कौन सा R15 V3 राइट। ओ तो ये जो ब्लू वाला है ना ये V3 मॉडल है, और ये R15 310 ना, ये वाला 310। अच्छा, और ये बीच वाला MT का ये मॉडिफाइड, ये तो MT है, ये वाला RC 200। अच्छा, ये थोड़ा MT का थोड़ा मॉडिफाइड किया है क्या? हाँ, MT का हाँ थोड़ा सा वही, ये जो MT है ना थोड़ा मॉडिफाइड लग रहा है ये वाला।